हाजी मस्तान रुकता है उस होटल का। वेटर अपने एक दोस्त से बात कर रहा होता है और वेटर का दोस्त उस वेटर को कहता है, तू आज ठेके पर क्यों नहीं आया? तो वो वेटर कहता है कि बस यार आज थोड़ा बिजी था होटल में। तभी वेटर को मैनेजर देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेटर? कहता है, कुछ नहीं सर। तब मैनेजर वेटर को पूछता है, क्या तुमने हाजी मस्तान के रूम में मच्छर मारने की दवाई लगा दी? वेटर कहता है, यस सर। हाजी मस्तान का नाम सुनकर वेटर का दोस्त उससे पूछता है, तुम्हारे होटल में हाजी मस्तान रुका हुआ है? वो वेटर कहता है, हाँ क्यों? इतनी सी बात सुनकर उसका दोस्त कुछ नहीं कहता और वेटर को कहता है कि चल मैं चलता हूँ। फिर वेटर का दोस्त ये बात पूरे बनारस में फैला देता है कि बनारस में हाजी मस्तान आया हुआ है। हाजी मस्तान का नाम उस टाइम बहुत ही फैला हुआ था और हाजी मस्तान का नाम सुनते ही बनारस के लाखों लोग हाजी मस्तान को मिलने आते हैं। होटल के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है। लोग हाजी मस्तान को मिलते हैं और बेहद खुश होते हैं। इतनी भीड़ को देखकर एक आदमी होटल के पास से गुजर रहा होता है तो वो इतनी भीड़ को देखकर भीड़ में खड़े एक आदमी को बुलाता है और उसे पूछता है और कहता है, यार एक बात बताओ, आज इस होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कोई हीरो आया है क्या? तब भीड़ में से आया हुआ आदमी कहता है, हीरो नहीं लेकिन हीरो जैसा ही है, हाजी मस्तान आया हुआ है। अनजान आदमी कहता है, हाजी मस्तान ये कौन है? भीड़ से बाहर आया आदमी कहता है, तुम हाजी मस्तान को नहीं जानते? अरे ये मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है। इतनी बात बोलकर दोनों चले जाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है KGF 3 की। तो आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।